अच्छा दिख रहा ना हम लोग। बताओ। तो भाई फिर से स्वागत है हम लोगों का। हम लोग आप वही तो खुद ही कर लेते हैं बाकी तुम तो गालियां बकते हो। तो आंसू पी गया मैं तुम लोगों की वजह से। तुमको कुछ ज्यादा गाली बकती अब मैं बदला लूंगा तुम लोगों से फिर घर आके उसको। ऐसे ही अपने गाली और प्यार बनाए रखें चलेगा। इंट्रो टाइम। तो भाई वेलकम आप लोग का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट और बकचोदी भी। और हम लोग क्या नहीं मिलता है, एड्स 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 नहीं मिलते हैं क्योंकि एड देते नहीं तो लगा देगा। और हमारी वीडियो के रिलीज होते ही हमें मिलता है बहुत सारा प्यार प्यार भर भर के इनवर्स में आगे चेक कर सकते हैं। दे नहीं पा रहे, तीन चार लोग गाली देगा टी शर्ट जा रहे हो इकट्ठा, तो हम 12-13 हजार लोग मिलकर आओ। चलो सर ढोड़ो ये सब बातें तो लोग बताएंगे। आज का टॉपिक बादर चौथ कोई आना नहीं वहां के लोड़ो। मेरे से नहीं झेला जाता ये लोग झेलते। मैं कमेंट देखना बंद कर दिया, मैंने यूट्यूब चलाना बंद कर दिया इस चक्कर में। मेरी वीडियो बन रही है, वीडियो डाल के छोड़ देता हूँ, जो होगा जो होगा देखा वाला देख लेगा, वीडियो डालने के बाद ना गाली वगैरह किसी को नरक में जाओगे। इतना ही बोला कि मूवी नहीं अच्छी होगी क्योंकि हमें 5x5 के कमरे में झाटू बता रही है। 5x10x10 का है उनको को कैमरे के साथ थोड़ा आगे है, इस तरफ भी है थोड़ा। इसीलिए तो सलमान भाई फेवरेट है, कैमरे के साथ देख रहे हैं ना। यस दोगले टाइप लोग हम लोग। सिर्फ ऐड नहीं मिलेगा वो परमानेंट है कह रहा हूं, दोगला हूं। और अगर ऐड चाहिए और करिए आओ देख ले फिर ऐड आने लगेंगे तुमको। भाई अंदर ही अंदर दर्द तो हुआ है क्यों करियाने वाला टॉपिक पिछली बार भी लाया था भाई, इस बार भी लाया भाई। भाई मेरे को मजा आ रहा है लोगों की गाड़ क्लस्ती भी देख के। तो फिर शुरू करते हैं, फिर क्या लगता है मेरा कच्चा आ रहा होगा उसमें? नहीं हटा दे उसको, अबे पहले से टंगा हुआ है पता है, मैंने देख लिया लेकिन तुमने इनको कर दिया ना पॉइंट आउट, पॉइंट आउट कर दिया है। इस वाली वीडियो में हटा दे उसको और पहन ले ऊपर से पहन सब वो जो सुपरमैन ठीक है। क्या पता अभी भी आ रहा हो। अरे छोड़ो यार आ रहा तो आने दो। गाइस अब हम लोग बात करने वाले, नेटफ्लिक्स पे एक नई सीरीज आई है जिसका नाम है द रेलवे मैन। आई है कि आने वाली है? आने वाली है मतलब उसका ट्रेलर आया, ट्रेलर आया 18 नवंबर को पहला एपिसोड आएगा उसका। हाँ तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या क्या कौन कौन है इसमें जरा बताएंगे? इसकी जो कास्ट है वो है के मेनन, उसके बाद आर माधवन, माधवन और केके में आ गया तो कॉम्बिनेशन ऐसे ही मस्त हो गया। तो एक्टिंग और कॉन्सेप्ट ये लोग हमेशा अच्छे ही रखते हैं। उसके बाद है हमारे मुन्ना भैया, मुन्ना भैया भी हैं, हिंदू भाई फुल इज्जत। तो देखते हैं इसमें ये कैसा करता है क्योंकि उम्मीद है मुझे अच्छा ही रहेगा। ठीक है, मैंने इसकी जितनी भी मूवीज देखी है तो जो इसको रोल दिया गया है एकदम अच्छे से पकड़ के काम करता है ये उसमें। फिर जो हमारा चौथा एक्टर है जो कास्ट है इसमें वो है बाबिल खान, बाबिल खान उसका बेटा है, क्या नाम है इमरान खान जो डेट कर गया, वो तो बढ़िया एक्टर था। इसकी मैंने एक ही नो डाउट वो अच्छा देखी नहीं है, मैं देखता हूँ तो देखते हैं बाबिल भाई काबिल है कि नहीं। बाबिल भाई हमारे काबिल है कि सब बबली बुलाते हैं बबली रह जाएगा ये। ठीक है तो ये चार मेन कास्ट है, बाकी और भी होंगे अगर मिस हो गया तो हमें नहीं पता, बाकी देखते हैं क्या सीन रहता है। तो ट्रेलर प्ले करते हैं और करते हैं रिएक्शन। 2 दिसंबर 1984 तो कांड हुआ था उस दिन, क्या कांड हुआ था। हमारे काम में ध्यान बट नहीं सकता क्योंकि दोबारा ध्यान से देखने का मौका नहीं मिलता। मेरा नाम इमाद रियाज है। पहला दिन है आज तेरा, रेलवे में नौकरी ऐसे मिल जाती है क्या किसी को? बट अगर मांगेगा ना तो मांगता ही रहेगा। गोपाल जक छीन ना सीख। उसने वहां उस बच्चे को बोला मांगेगा तो मांगते रह जाएगा छीन ना सीख। अब वो ये सब करके बन गया क्रिमिनल, फिर पुलिस वाला अपना बिजनेस बना रहा है भाई यहाँ पे बच्चों को मैनिपुलेट करके। मैनिपुलेट नहीं कर रहा है भाई, वो जिंदगी जीने का एक तरीका बता रहा है छीन लो सबसे भाई, मतलब उसको कोई चीज अगर टारगेट करना तो मतलब मेहनत करके लिए छीन लो। आदमी अगर तुम्हारे एक्सपेक्टेशन हो उनको कैसे भी ग्रैब करो, मेहनत करके वो चीज ढूंढो, ये नहीं कि उधार मांग लो दे दो। पहले उसने छीना होगा ना, पहले उसने गुंडागर्दी दिखाई होगी, उसने मांगा होगा नहीं देंगे, तो फिर उसने फिर उसको ज्ञान दिया कि जब ऐसा है इस ऐसी सिचुएशन में छीनना सीख।
ना, जब गलत हो रहा हो तो उसको फिर गलत सही मतलब है, जैसे किसी को एक अवार्ड चाहिए, अवार्ड चाहिए तो मेहनत अच्छी चीज ही बोलेंगे भाई, मेरे हिसाब से खराब नहीं है। बट ये तो भाई मिसगाइड कर रहा है नहीं यार, तो मतलब कुछ और है। छीनना सीखो भाई, बहुत लोग लिटरली ले लेते हैं यार, क्या तो नहीं होता ऐसा, मेजोरिटी नहीं लेती है बट बहुत लोग ले लेते हैं। मेरे साथ बचपन में एक बंदर ने किया था, जैसे बिल्लू बदमाश था, अब उसका काम ही था देख के वो निकल गया अलग थोड़ा सा, बंदर ने बिस्किट छीना लिया मेरे हाथ, उसने बताया क्या हो रहा, आओ चलो आओ देखते हुए छोटी बात पकड़ लेते तुमको। गैस लीक की पहले बात है, गैस लीक के पहले भोपाल कैसा था, गैस लीक के बाद कैसा होगा। इसमें चार मेन कैरेक्टर लिए इन लोगों ने, मेन चीज है इसमें उन्होंने चार मेन कैरेक्टर लिए, उनकी एक अलग अलग स्टोरी लाइफ को काट दिया, और वही हीरो हैं इसमें जो लाइफ सेवर है, कहीं ना कहीं आके एंड में मिलेंगे सब, काम करेंगे एक साथ। पहले देखते हैं ना क्या बता रहा है, देयर इन अ गैस लीक एट यूनियन गैस, ये तो सुना सबने इस बारे में, मतलब जब हम लोग आए थे दिल्ली में तो बात तो हुई थी इसके बारे में। That's the company line. किसी को एक झटके में मार सकती, किसी को कुछ घंटों में सर, सांस ली और काम तमाम, इसकी कोई दवा नहीं तो इतने लोगों को बचाएंगे सर, जल्द से जल्द सबको यहाँ से निकालना होगा। अरे ये भोपाल चल चल कब्रिस्तान बन गया। रति पांडे बोल रहा हूँ, जीएम सेंट्रल रेलवे। इस वक्त भोपाल जंक्शन रेलवे के नक्शे से गायब हो चुका है। माधवन केस एंट्री में पूरा हूटिंग हो जाएगा क्या, हॉल में रिलीज होती है। हम उनका इलाज नहीं कर सकते, वहाँ से निकाल तो सकते हैं। हवा में जहर है, कोई बाढ़ या भूकंप नहीं आया है कि जाके लोगों को बचा के ले आएगी। भोपाल वालों को अकेले नहीं छोड़ पाऊंगा, ऐसे में दूसरों की मदद करने कोई मूर्ख ही जाएगा या फिर कोई अपना। ये लोग है ना, ये हमारी जिम्मेदारी है। चिंता ना करिए सर, मैं कहीं नहीं जा रही। क्या हम वहां पे भरोसा कर सकते हैं कॉन्स्टेबल? इस पर माल गाड़ी में तो भर रहे हैं यार, हर तरीके का पैसेंजर भी माल गाड़ी में, हजारों लोग अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं। मुझे विश्वास रखो राबराका, इन लोगों को सब कुछ पता था दो साल से, फिर भी सर ने कुछ नहीं किया। सच लिखता हूँ ना मियां, काफी जाने माने चेहरे उठा लिए हैं। सच ये है कि हम ना जान लेने वालों को सजा देते हैं। और ना जान बचाने वालों को शाबाशी, मतलब इसमें क्रिमिनल बच जाएंगे। सुना था सभी लोगों ने कि बहुत लोग मरे थे, और जो नंबर्स आए होंगे वो तो देखो कहीं ना कहीं कमी होंगे, क्योंकि इतना ज्यादा नंबर्स रिवील भी नहीं कर सकते, नहीं और हर कम बन जाएगा। मगर उस समय के हिसाब से जितना काम किया होगा बेस्ट ही दिया होगा अपना, जैसे तैसे सोच समझ के। और क्या, जितना वो लोग कर सकते थे जिनको, क्योंकि सोर्सेस भी बहुत कम थे उस समय, तो फिर हमें लग रहा है कि हम लोग पहला ऐसा रिएक्शन देने वाले हैं जिसमें लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, हिस्ट्री है ना ये, तो हिस्ट्री के बारे में अगर हमें नॉलेज है थोड़ा बहुत इस चीज का, तो हम तो उसी हिसाब से बात। अब आखिर हमें टेलर से ये भी लग रहा है भाई, थोड़ा इमोशनल टाइप की सेंसिबल चीज है, कि आदमी थोड़ा रिलेट करेगा, नहीं भी रिलेट करेगा तो देखेगा समझेगा क्या चीज़। शायद उस टाइम पे जो जिन लोगों ने ये बचाया इतने लोगों को, लोगों के लिए कुछ हुआ नहीं है आगे, उसने एंड में बोला जो ना अप्रिशिएट करते हैं ना उंगली करते हैं इस चीज को, ठीक है मूवी सही है होनी चाहिए भाई। बाकी सुना था कि उस टाइम पे करीब 7-8 हजार लोग मर गए थे ऑन द स्पॉट, और काफी 5-6 लाख का टारगेट वो था कि जो लोग अफेक्ट हुए हैं, कुछ लोग धीरे धीरे इंजर्ड हो गए, डिसेबल हो गए, बहुत सारे लोग धीरे धीरे मर गए इफेक्ट से उसके, कुछ लोग इंस्टेंट 8,000 लोग मरे थे ऐसा क्लेम था, और ज्यादा ही हुआ नंबर, मतलब नियर अबाउट 8,000। 8,000 तो वो टारगेट है जो वो बोला जा रहा है कि सरकार ने उनको कंपनसेशन दिया है। हाँ, जिनको कंपनसेशन देते टाइम उनको पता चला कि इतने लोग अफेक्टेड फैमिलीज है, और करीब 5 लाख के आसपास लोग भाई वो थे जो इंजर्ड थे। कितना किलोमीटर ये फैला होगा, ट्रेन
नीड पड़ रही है ट्रेन, मतलब इतना दूर है, मेरे हिसाब से रेडियस ज्यादा था भाई, और हिसाब से जो डेप्थ का रेशियो है ना वो भी कम बताया जा रहा है। हाँ, और एक ट्रेन में कितना ही आदमी आगे होगा भाई, अगर रेडियस इतना बड़ा है तो ये कि दो तीन ट्रेनें तो लगी होंगी जैसे उसमें दिखा रहा था, पैसेंजर भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कि स्टेशन के आसपास के लोग हैं वो क्राउडेड हुआ, क्योंकि दूर वाले तो आ ही नहीं पाएंगे ना उसी तो पास तक, क्योंकि उसने बोला कि भोपाल जंक्शन वो बनता जा रहा है, जंक्शन ग्रेवयार्ड बन रहा है। हाँ। तो मतलब जंक्शन में जो लोग थे या फिर जो लोग भाग के आ रहे होंगे भागने के लिए, पास होगी जो इंडस्ट्री जिसमें गैस लीक हुई है, एरिया तो कहीं भी हो सकता है, जंक्शन के पास हो चाहे दूर हो, और गैस है तो भाई वो तो इधर उधर। लेकिन ये स्टोरी मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टेशन के मतलब जो भी इनका जंक्शन था उसके आस सराउंडिंग की है, विक्टिम और विटनेस ज्यादा मिले होंगे उस साइड के ना, ऐसा नहीं कि दूसरे एरिया से लेके लोग फिर ट्रेन बैठा के लेके जा रहे हैं, जो स्टेशन वो अवेलेबल है उनको उनको निकाल लेंगे। ट्रेलर से तो यही समझ में आ रहा है, मेरे को लगता है कि इसी में एंड भी कर देंगे, बट एरिया का अगर दिखाएंगे या नेटफ्लिक्स जो स्टोरीज उठा रहा है वो अच्छी भाई, वो तो एक नंबर, नेटफ्लिक्स तो हमेशा से अच्छा ही कंटेंट देता था। तो क्या लगता है इसमें पॉलिटिक्स का डार्क साइड दिखाएंगे? डार्क साइड होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, बट डार्क साइड अगर उसने कोई स्टेटमेंट दिया है ऐसा, जैसे इसमें स्टेटमेंट दिया कि बाढ़ और वो नहीं है जो बचा ले तुरंत जाके, गैस है, स्टेटमेंट तो सही है उसका, डार्क साइड वो तो भाई तो मास्क का उसमें कुछ तो हेल्प करनी ही पड़ेगी ना एट द एंड, ऐसे छोड़ तोड़ दो कि हाँ ठीक है अब मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, तो उस समय के हिसाब से सोचेंगे तो ये सारी चीजें करने में टाइम तो लगेगा भाई, टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि गैस अटैक भी नहीं हुए, गैस अटैक से भाई वर्ल्ड वॉर्स में भी होते थे ये सब चीजें, तो भाई ऑलरेडी झेली हुई ना, तो भाई रेलवे लाइंस है, वॉर के लिए आदमी प्रिपेयर रहता है, ये चीज सब प्रिपेयर है, बट ये नहीं है कि तुम बोल सकते कि हाँ चीजें ही नहीं है, मास्क कभी बने ही नहीं थे, नहीं मास्क तो दिखाया है, निकालना तो पड़ेगा आपको ना, बट ये ऐसी मूवीज आती रहनी चाहिए, क्योंकि इससे ये रहता है ना कि लोगों को ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में एक आइडिया रहता है कि अगर कभी हम फंस गए तो टेम्पररी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं। वैसे सिचुएशन तो कुछ ना कुछ यहाँ दिल्ली में भी हो रही है इस टाइम, ये गैस स्ट्रेटेजी का यार, पंजाब वाले तो एकदम भांगड़ा पाके रखे हैं खेता विच, जिला हम लोग पड़ रहा है, सिगरेट फुकवा दे रहे हैं बिना फूके, चलो फिर क्या है आप भाई देखते हैं वीडियो, मतलब ये मूवी का वो रहा है, मतलब सीरीज का हिट है, इस बार तो कोई क्वेश्चन ही नहीं, कोई क्वेश्चन ही नहीं, बाकी वेट करेंगे ना हो आ जाए, तो उससे मतलब नहीं है, मैं देखना जरूर चाहता हूँ, मैं भी देखूंगा, अब सब लोग देखेंगे तो फिर तो हिटी है, फिर तुम लोग पता देख के 5 सेकंड का रिव्यू देते हैं, मस्त है कि खराब, बाय, बाकी करेंगे नहीं ऐसा हम लोग, तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग आगे देखते हैं किसको पकड़ना है, तब तक के लिए सायोनारा।